मोहम्मद साहब। यह चित्र कथा मोहम्मद साहब के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। देखो मोहम्मद कितना नेक और शांत स्वभाव का है। हाँ, वह बड़ा मेहनती भी है और ईमानदार भी। चलो उसके पास अपने कुछ कीमती सामान रख दें और वापस जाते हुए ले लेंगे। ठीक है, उसके पास ये सुरक्षित रहेंगे। ओह, लोग वहां जुआ खेल रहे हैं, उन्हें मना करना होगा कि यह सही नहीं है। ये सब मत करो, ये सब बहुत बुरी आदतें हैं। चलो जाओ, अपना काम करो। लोग कितनी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। मुझे हीरा की पहाड़ियों में बहुत शांति मिलती है, वहीं चलता हूं और ध्यान करता हूं। देखो ईश्वर एक है, तुम लोगों को उसी की उपासना करनी चाहिए। उसी ने सबको पैदा किया है और वही सबकी रक्षा करता है। सभी मनुष्य बराबर हैं। मनुष्य की वह रोटी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। मेरे धर्म का नाम इस्लाम होगा। इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम का मतलब है शांति में प्रवेश करना। ये हमें भड़का रहा है, मारो इसे। अब मेरा यहां रुकना ठीक नहीं है, मुझे मदीना चले जाना चाहिए। मेरा मदीना जाना हिजरत कहलाएगा। अबू बक्र, चलो अब मदीना चलते हैं। चलिए मैं आपके साथ हूं। सोचता हूं कि एक मस्जिद बनाऊं, लेकिन यह जमीन तो दो अनाथ बच्चों की है, मैं इस जमीन को नहीं ले सकता। मैं इसका मूल्य चुका देता हूं, आप निश्चिंत रहे। मस्जिद तो बन गई, अब मैं इसी में रहूंगा। अब मैं मक्का चलता हूं, देखूं वहां लोग कैसे रह रहे हैं। मक्का वालों, डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूं। मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मेरे परिवार को मार दिया और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों, तुम सब नेकी के रास्ते पर चलो। हमारी इच्छा है कि आप यहीं रहें। आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया था उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं। वैसे हज करने मैं हर साल मक्का आता रहूंगा। अब मैं मदीना लौटता हूं।